यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बोल दिया है कि मनीष शर्मा को स्क्रीन प्ले कैसे करना चाहिए उनको वो भी नहीं आता, कैटरीना कैफ को डायलॉग्स बोलना नहीं आता, इमरान हाशमी की एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी और ये उनकी आखिरी मूवी है। सलमान खान के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा क्योंकि ऑलरेडी वो उनको बुढ़ो बुढ़ो कहते ही रहते हैं, ट्विटर पर हमेशा आप देखते ही रहते हैं। तो दोस्तों पहले एक आगे का वीडियो देख लेते हैं। इनकी हिसाब से टाइगर थ्री मूवी में जितने भी एक्सरसाइज दिखाए हैं या फिर मनीष शर्मा ने टाइगर थ्री मूवी में जितने भी एक्सरसाइज दिखाए हैं वो सब फिल्म को ब्लॉकबस्टर करने के लिए दिखाए गए हैं। हर 10-10 मिनट पर इसमें एक्सरसाइज डाले गए हैं ताकि टाइगर थ्री मूवी ब्लॉकबस्टर हो जाए, हिट हो जाए। लेकिन हम सभी को पता है कि टाइगर थ्री मूवी एक एक्शन मूवी है, तो जाहिर सी बात है शुरू से लेकर लास्ट हमें एक्सरसाइज ही दिखाए जाएंगे। कैटी के हिसाब से टाइगर थ्री मूवी में ऐसे 10 सीन भी नहीं है जिन्हें पब्लिक देखकर पसंद करे, और तो और पब्लिक उस सीन को सहन भी नहीं कर सकती है इनके हिसाब से। यहाँ तक कि पब्लिक कन्फ्यूजन है कि टाइगर थ्री मूवी पाकिस्तानियों के लिए बनाई गई है या फिर हिंदुस्तानियों के लिए बनाई गई है। टाइगर थ्री मूवी के जितने भी डायलॉग्स क्यार्किया ने सुने हैं सुनकर उनका दिमाग ही उबल गया है, ऐसा क्यार्किया का कहना है। और तो कैटरीना कैफ के डायलॉग्स उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कैटरीना कैफ 25 साल से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही है लेकिन उन्हें हिंदी तक बोलनी नहीं आती है। इमरान हाशमी की एक्टिंग खराब थी, मतलब मूवी में कुछ भी बढ़िया नहीं था। जो भी एक्सरसाइज दिखाए गए हैं क्यार्किया को देखकर उनका ऐसा लग रहा है कि मजाक हो रहा है, मजाक उड़ा रहे हैं, मतलब कुछ भी मूवी में अच्छा नहीं है इनके हिसाब से। और तो इतना ही नहीं, आगे इन्होंने भी बहुत ज्यादा बोला है, आप खुद ही देख लीजिए। सभी को पता है कि इमरान हाशमी को बेचारे को अच्छी एक्टिंग आती नहीं है, उसकी पिछली 20 फिल्में सुपर फ्लॉप है और ऊपर से उसका लुक भी बहुत खराब है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इमरान हाशमी के बहुत सारे सीन आउटडोर में है जहां हवा चल रही है, बाल उड़ रहे हैं और वहां साफ दिखता है कि इमरान हाशमी ने विग पहनी हुई है। तो ना ही इमरान हाशमी का लुक अच्छा है और ना ही एक्टिंग अच्छी कर पाया है। और मेरे ख्याल में इमरान हाशमी की भी ये बस आखिरी फिल्म है, इसके बाद शायद ही कोई इमरान हाशमी को अपनी फिल्म में लेगा। ये आप सभी जानते हैं कि कैट को एक्टिंग नहीं आती और ना ही उसको डायलॉग्स बोलने आते, लेकिन वो खूबसूरत थी। प्रॉब्लम यह है कि इस फिल्म में वो खूबसूरत भी नहीं है। मैं कैटरीना के लुक को देखकर बहुत ही ज्यादा निराश हुआ हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई आप एक दफा सर्जरी करा चुकी हो, दो दफा करा चुकी हो, तीन दफा करा चुकी हो, हर 6 महीने में आपको सर्जरी क्यों करानी है। इस फिल्म में कैटरीना ने अपने होठों को वैसे ही बना लिया है जैसे कि बत्तख के होते हैं। तो जो कैट के पास एक हथियार था उनकी खूबसूरती वो भी खत्म हो गई है, इसमें वो भी नहीं है। और जब कैट उछल कूद करती है, एक्शन करती है, तो भाई साहब एकदम मजाक लगता है। इस फिल्म के हीरो के बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत है नहीं क्योंकि आप सभी जानते हैं कि उनको कितनी बढ़िया एक्टिंग आती है और वो कितने बढ़िया तरीके से डायलॉग्स बोलते हैं। कुल मिलाकर ये फिल्म एक बहुत ही कमाल की वाहियात फिल्म है जिसमें ना कहानी है, ना सस्पेंस है, ना थ्रिल है, ना इमोशन है, ना रिलेशन है और ना ही एंटरटेनमेंट है जिसकी वजह से जनता फिल्में देखती है। ऊपर से इस फिल्म की कहानी पाकिस्तान के बारे में है जिसका हिंदुस्तान के दर्शकों से कोई लेना देना नहीं है। तो कुल मिलाकर ये बहुत ही घटिया, बहुत ही वाहियात फिल्म है। ये इस सदी की सबसे खराब फिल्म है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि भाई साहब अगर आपके पास फालतू के पैसे हैं, फालतू का वक्त है, आप जिंदगी में बहुत ही फालतू हो, तो आप जाओ और इस फिल्म को जरूर देखो। लेकिन अगर आपको अपने पैसे बर्बाद नहीं करने, अपना टाइम बर्बाद नहीं करना, अपने आप को टॉर्चर नहीं करना, तो भाई साहब आप उस थिएटर से कम 2 किलोमीटर दूर रहना जहां
जहाँ ये फिल्म दिखाई जा रही है। इनके हिसाब से इमरान हाशमी को बिल्कुल भी एक्टिंग नहीं आती है। पिछले इमरान हाशमी की 20 फिल्में फ्लॉप चली गई हैं और उनको अच्छी एक्टिंग नहीं आती है। पता नहीं किस वजह से टाइगर 3 मूवी में उन्हें लिया गया है। इसके बाद टाइगर 3 जो है इमरान हाशमी की आखिरी मूवी होगी। इमरान हाशमी को कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर अपनी मूवी में नहीं लेगा। इमरान हाशमी बिल्कुल भी अच्छी एक्टिंग नहीं करते हैं। कैटरीना कैफ जो कि बेहद खूबसूरत है, खूबसूरती की वजह से उनको मूवी में लिया जाता है, लेकिन वो हर 6-6, 5-5 महीने पे अपने फेस की प्लास्टिक सर्जरी करवाती रहती हैं, जो कि अब खूबसूरत भी नहीं रही हैं। और उन्होंने जो टाइगर 3 मूवी में एक्शन सीन्स किए हैं बहुत ही ज़्यादा घटिया हैं, मतलब अच्छे नहीं हैं। सलमान खान के बारे में उन्होंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो सलमान खान के बारे में हमेशा बोलते रहते हैं सलमान खान को अच्छी एक्टिंग नहीं आती है। कुल मिलाकर ये फिल्म कमाल की वाहियात मूवी है। कैसे कमाल की वाहियात मूवी है, मतलब तारीफ भी कर रहे हैं और वाहियात भी बोल रहे हैं। और तो ये मूवी पाकिस्तानियों के लिए ही बनाई गई है, क्योंकि इसमें पूरी कहानी पाकिस्तानियों की ही दिखाई गई है, कुछ भी हिंदुस्तानियों के लिए नहीं है। जो हिंदुस्तानी पब्लिक जो जा रही है मूवी देख रही है, वो लोग तो बेवकूफ़ है जो टाइगर की मूवी को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, उसकी एक्शन सीन्स की तारीफ कर रहे हैं। हाँ, पब्लिक तो पागल है और यही लोग एक समझदार हैं। हमको तो ऐसा लगता है कि टाइगर 3 मूवी को प्यारकी बनाना चाहिए या फिर प्यारकी से सलाह लेकर बनानी चाहिए। इस मूवी का जो विलन है इमरान हाशमी को नहीं बल्कि प्यारकी को रखना चाहिए। वैसे मुझे एक बात ये नहीं समझ में आती है, हर्ष करने की उम्र में आप टाइगर 3 मूवी देखने जा रहे हैं, आपकी एज भी हो गई है, तो आपको एक्शन वाली फिल्में कहाँ पसंद आएगी? आप पसंद भी नहीं आएंगी, आपको तो समझ ही नहीं आएंगी कि एक्शन सीन्स वगैरह होते क्या है, स्टोरी कैसी होती है, उसका स्क्रीन प्ले कैसे दिखाया जाता है, डायलॉग्स कैसे बोले जाते हैं, हीरो हीरोइन को एक्टिंग कैसे करनी चाहिए, उसमें फाइट करनी चाहिए कैसे करनी चाहिए, आपको तो कुछ भी नहीं समझ में आता। क्योंकि आपकी एज हो गई है तो आपको एक्शन सीन्स बिल्कुल भी नहीं देखनी चाहिए, आपको इस समय में हंस करना चाहिए, आपको अच्छे से ज्ञान देने चाहिए। कहाँ आप टाइगर 3 मूवी के चक्कर में पड़ गए हैं, एक्शन वाली मूवी देख रहे हैं जो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है कि एक्शन होता क्या है, जिसका आप मजाक उड़ा रहे हैं। जेम्स मैमू जिन्होंने अवतार मूवी बनाई है उनसे सलाह लेकर टाइगर 3 मूवी में एक्शन सीन्स दिखाया गया है, क्योंकि प्रोड्यूसर तो मनीष शर्मा बेवकूफ़ थे जो उन्होंने ऐसा किया है। ठीक है, एक आप ही समझदार हैं, इस मूवी के विलन तो आप ही होने चाहिए, ऐसा मैं कहती हूँ। प्यारके ने जो भी टाइगर 3 मूवी का नेगेटिव रिव्यू दिया है वो एकदम वाहियात, कमाल का वाहियात रिव्यू दिया है। तो दोस्तों, प्यारके के बारे में आपका क्या कहना है, इन्होंने टाइगर 3 मूवी का कैसा रिव्यू दिया है, फटाफट कमेंट करके बताइए। और टाइगर 3 मूवी आपने देखी होगी तो आप खुद ही बताइए कि टाइगर 3 मूवी आपको कैसी लगी। और मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल से सब्सक्राइब करें। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई बातचीत करनी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।